प्रकट कर रहे हैं बांसुरी पर मंगल आह्वान। इसका राग है कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में से कहते हैं नट्टी, और जो हम प्रकट करने जा रहे हैं ये मुथु स्वामी दीक्षितार के गणपति भगवान की प्रार्थना है मगा गणपति मनसा। और ये जो राग है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं जोग। बांसुरी का नमस्कार। दोनों हाथों से या राइट हैंड से बांसुरी उठाई जाती है, इसके छिद्र रखे जाते हैं आकाश की ओर। महर्षि पातंजलि इस क्षेत्र को कहते थे सहस्त्रार चक्र, मैं नाम दे रहा हूं दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, जहां से हमें पवित्र प्रेरणाएं प्राप्त होती है वो क्षेत्र है ये। ये विधि है गांधर्व लोक की दिव्य प्रेरणाओं से आत्माओं से संपर्क बनाना। बांसुरी का छिद्र रखेंगे आज्ञा चक्र त्रिनेत्र के पास, दो भ्रमर के बीच स्पर्श करें, हल्का सा स्पर्श। बांसुरी रखेंगे नासिका छिद्र के पास, कम से कम तीन उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी के साथ। बांसुरी रखेंगे गले का मध्य स्थान कंठ चक्र। बांसुरी को जीवंत बनाने की प्रक्रिया जिससे हम मंगल आह्वान करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। बांसुरी को रखेंगे छाती का मध्य केंद्र स्पर्श करें, हृदय चक्र भाव शरीर जो जुड़ता है स्वर के साथ। दोनों हाथों से फिर से बांसुरी उठाएंगे, छिद्र रखेंगे आकाश की ओर, आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है इसे। ये बांसुरी को जीवंत बनाने की प्रक्रिया है जिस पर हम मंगल आह्वान पवित्र शक्ति आद्य शक्ति पराशक्ति तटस्थ शक्ति शुद्ध शक्ति को कर रहे हैं, दिव्य प्रेरणाओं को कर रहे हैं। छाती के मध्य केंद्र के पास बांसुरी के साथ नमस्कार, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। पूरी की पूरी प्रार्थना आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर करके बजाई जा सकती है, जिसका राग है नट्टी और उत्तर भारत में इसे कहते हैं राग जोग। मंगल आह्वान। सा को लंबाई
अनुसार बांसुरी को रखेंगे आज्ञा चक्र दो भ्रमर के बीच, बांसुरी के फूंक का छिद्र स्पर्श करें, जिस बांसुरी से हमने मंगल आह्वान किया पवित्र शक्ति को, उसको आदर देने की प्रक्रिया, नासिका छिद्र एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी पर, कंठ चक्र स्पर्श करे बांसुरी को, हृदय चक्र भाव शरीर छाती का मध्य स्थान स्पर्श करे, बांसुरी उठाएंगे आकाश की ओर, छिद्र रहेंगे आकाश की ओर, आज्ञा चक्र के स्तंभ कक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है, बांसुरी के साथ छाती के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद प्रसन्नता शांति स्वास्थ्य ज्ञान भक्ति मैत्री प्रेम करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस स्वभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो, यह भी तो हो सकता है आज का यह सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों के आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। The School of Spiritual Science, अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, The School of Divine Techniques, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परम शक्ति आद्य शक्ति पराशक्ति तटस्थ शक्ति पवित्र शक्ति शुद्ध शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को निजानंद से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को संतोष
और शांति के साथ जो कुछ भी परिस्थिति है उसमें जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसकी समझ प्रदान करना, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है जीवन के विविध रंग, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी हार कभी जीत, कभी अमीरी कभी गरीबी, जो विविध रंग है जीवन के, भोजन के लिए रोटी मिले ना मिले, पहनने को वस्त्र मिले ना मिले, रहने को आवास मिले ना मिले, जीवन की सारी विविध परिस्थितियां, परमात्मा के अनेक रंग जीवन के, हर रंग में किस तरह से स्वस्थ रहकर शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, भाव के माध्यम से स्वस्थ रहकर जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ स्वाद है उसे किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना। जब से तुम जागे प्रातःकाल में स्मरण आया, उसे मानो नया जन्म मिला। जब से जागे अगर तुम चुप गए कि याद नहीं आया, क्योंकि आदत नहीं है अभी, लेकिन हो जाएगी, मैं रोज पूछूंगा, रोज तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा, इतने तक स्मरण दिलाऊंगा कि सुबह में तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी कि नया जन्म, देखो स्मरण आ गया, तुम फिर से लौट आए इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में तुम फिर से आ गए। जब रात को निद्रा में जाओ, समझ लो मृत्यु घट गई। मृत्यु सुख तुम्हारे कान पर इसलिए डाल रहा हूं, मृत्यु अशुभ घटना नहीं है। मृत्यु की घटना अगर हम ठीक से जीवन जिए, ठीक से जीवन और जीना ही है, ठीक से ही जीवन का उपयोग करना है, इसका मार्गदर्शन सदा से उपलब्ध है इस धरती पर और सदा रहेगा, तो हम किस लिए इसका उपयोग न करें। मृत्यु जीवन से ऊपर की घटना है। जब तक मृत्यु हमारे लिए गंभीर है, जब तक सीरियस है, हमारे लिए मृत्यु रोना धोना है, तब तक हम समझे इस बात को, अभी हमने जीवन के रहस्य ठीक से जाने पहचाने नहीं, दर्शन नहीं किए, जीवन का दर्शन नहीं किया। जन्म पर भी हमारा क्या अधिकार है, चलो ना, जन्म पर हमारा कोई अधिकार है ना मृत्यु पर हमारा कोई अधिकार है, जीवन पर हमारा अधिकार कितना। तुम्हें क्या पता है तुम्हारी क्या यात्रा थी, तुमने जन्म लिया इससे पहले तुम्हारे जीवन की क्या यात्रा थी और क्या होगी आगे, ये दोनों क्वेश्चन मार्क। अगर ठीक से इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस समझा जाए तो इसमें, इसके पेपर में तीन ही प्रश्न है, मैं कौन हूं एक, जन्म से पहले मैं कहां था दो, मृत्यु के बाद मैं कहां हूंगा। तीन प्रश्न के जवाब तुम्हें मिल जाए तुम पास यूनिवर्सिटी के एग्जाम। कोई एग्जामिनर नहीं है यहां पर, ऐसी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी, और यही जरूरी है आगे का जो जीवन है इसमें जो मार्गदर्शन है, सब कुछ है अब हमारे पास, सब कुछ है, खाली उसका ठीक से उपयोग करना है। मैं यहां के व्यवस्थापकों को कहूंगा कि विज्ञान इतना आगे बढ़ा है, इतनी तरक्की कर रहा है, तो कम से कम सियाड़े में हमें गर्म पानी मिले और उनाड़े में ठंडा पानी मिले, जो अभी तक ऐसा हो रहा है कि उनाड़े में गर्म पानी मिलता है और सियाड़े में ठंडा पानी मिलता है, तो इतना आगे विज्ञान बढ़ा है तो हम थोड़ी ऐसी व्यवस्था करें। विज्ञान इसका उपयोग, धर्म मार्गदर्शन, धर्म का अर्थ ही समझो समझ, समझ का अर्थ दो विचार के बीच की जगह, स्पेस बिटवीन टू थॉट्स इज कॉल्ड समझ। समझ का अर्थ विचार नहीं, समझ का अर्थ स्पेस।
तुम्हारी जितनी स्पेस बढ़ती जाएगी दिस इज रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स. तुम खाली दिव्य वाणी सुनते जाओ, तुम्हारी समझ अपने आप बढ़ती जाएगी अपने आप. समझ का अर्थ ही है जगह, स्पेस अर्थात आत्मा. पुराना नाम आत्मा, नया नाम कहे हम इंग्लिश में लेटेस्ट रिलेटेड विथ अमेरिका स्पेस, स्पेस जगह, अंतरावकाश अंदर की जगह. जिस तरह से शरीर को रहने के लिए आवास चाहिए, चाहे वो झोपड़ा हो चाहे वो बंगला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो फर्क पड़ता है वो केवल हमारे मन को, और वो भी बहिर्गामी मन, मन के दो रूप. जैसे अभी आप लोग मेरे समक्ष बैठे हो, ये बहिर्गामी मन नहीं आपका. बहिर्गामी मन होता तो अभी आप अमेरिका की ओर है. अंतर्गामी मन, अंतर्गामी मन का अर्थ है जिसका संबंध है अंदर के जगत से, अंदर के जगत से. मन मन ही है. ये मन भी निराश हो जाता है कि मैं कितने सालों से साधना कर रहा हूं, अभी तक परमात्मा का दर्शन मैंने नहीं किया. निराश हो जाता है. बाहर का मन भी निराश हो जाता है कि कितने समय से मैं काम कर रहा हूं, अभी इतना रुपया नहीं कमा पाया जितना मेरे पड़ोसी ने कमा लिया. उसके पास जो कार है, ऑक्सफर्ड कार, कैम्ब्रिज कार, चार्टर्ड प्लेन, वो अभी मेरे पास नहीं आया. ये बाहर के मन की निराशा, जिसका संबंध है बाहर के जगत के साथ. अंदर का जगत, अंदर का मन, उसकी निराशा. कितने सालों से मैं ये साधना कर रहा हूं, सांस उच्छ्वास आती जाती देख रहा हूं, त्रिनेत्र पर ध्यान लगा रहा हूं, हजार प्रकार की जितनी आज तक की प्रक्रिया है सब कर चुका हूं, लेकिन अभी तक वो रहस्य मेरे हाथ में नहीं आया. ये अंतर्गामी मन की निराशा. समझो, मन अर्थात मन, मन का अर्थ इच्छा, मन का अर्थ अपेक्षा. जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसमें राजी न रहना अर्थात मन. ये तुम समझो, ये इसलिए समझो कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो अंतर जगत है, हमारा संबंध बहिर्जगत से भी है, हमारा संबंध अंतर जगत से भी है, हम दोनों के बीच है. तो हम किस तरह से हमारे भीतर काम हो रहा है. काम शरीर को कोई फरियाद नहीं. शरीर को चाहे उसे तुम झोंपड़े में रखो, चाहे उसे तुम बंगले में रखो, उसे कोई फरियाद नहीं. फरियाद रहती है सदा मन को, अपेक्षा कि मेरा झोंपड़ा है, इसका बंगला है. कंपैरिजन शुरू. ये जो तकलीफ है हमारे जीवन में, जो भी तकलीफ है, तुम ठीक से समझोगे, और समझना ही है, जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, इसका ठीक से जीवन की समझ के लिए उपयोग करना है. जैसे कि मैं कहूं कि आपके जीवन में दुख है, अब ये प्रश्न का जवाब तुम्हें मुझे नहीं देना है. अगर मैं पूछूं आपके जीवन में पीड़ा है, संताप है, भय है, निराशा है, हताशा है, चिंता है, ये आपकी समझ के लिए पूछ रहा हूं है, और है तो इस पर किस तरह से काम करना है. जैसे कि हमारे पैर में कांटा चुभता है तो दुख होता है. ये शरीर का दुख है, इस शरीर का, कि कांटा चुभा शरीर में,
दुख सुन। चलो क्या है विज्ञान इसका, दुख का विज्ञान क्या, क्यों हमें दुख शुरू हो गया? क्योंकि हमारे पैर की जो शक्ति थी उससे एडिशनल एनर्जी हो गई, एडिशनल जरूरत से ज्यादा आ गई शक्ति, इतनी जरूरत नहीं शरीर को। मैं खाली उदाहरण के लिए तुम्हें समझा रहा हूं दुख किस तरह से प्रकट होता है शरीर के माध्यम से। जैसा कांटा चुभा, तुम्हारे भीतर दुख का अनुभव शुरू हुआ, डिस्कम्फर्ट, अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा घटा तुम्हारे साथ जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा एनर्जी बढ़ गई तुम्हारे भीतर। अब शरीर स्वयं काम करता है, शरीर स्वयं अपने आप रिकवरी शुरू हो जाती है अपने आप, कि किस तरह से इस दुख को मिटाया जाए। ये शरीर काम करता है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, स्वयं संचालित, जिसका कंट्रोल नियंत्रण मस्तिष्क के साथ, या इसे पुराना नाम दे, सूक्ष्म शरीर का नाम दे तो सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, जिसे मैं कहता हूं दिव्य प्रेरणा का क्षेत्र। प्रेरणा का अर्थ है इंस्पायरेशन, आइडिया, आइडिया ना, तुम्हें काम कर रहे हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, इसमें आगे करे क्या, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम अर्थात मन। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड नॉट द सोल। आत्मा का स्वभाव अस्पष्टता नहीं, कंफ्यूजन इज नॉट द नेचर ऑफ सोल, आत्मा का स्वभाव नहीं। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल, आत्मा का लक्षण स्पष्टता। लेकिन समझो कि हम एक काम करते हैं, अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि इसमें हम करें क्या, तुम करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, करते ही, और अचानक से तुम्हें मिल ही जाता है रास्ता, तुम्हें मिल ही जाता है। आज तक तुमने अनेक प्रकार के काम किए अपनी जीवन यात्रा में, लेकिन तुम भूल गए। फिर नई मुसीबत आती है, तुम्हें लगता है अब क्या हो जाएगा, किस तरह से रास्ता हम करेंगे, क्या करेंगे इसमें, और तुम देखना तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा। प्रयोग, धर्म सिद्धांत की बात है ही नहीं, सिद्धांत केवल 1% मैं कहता हूं, धर्म टोटली प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल। जो भी सिद्धांत आज तक तुमने जाने समझे, अभी मुझसे समझ रहे हो, जान रहे हो, इसका उपयोग हमारे जीवन में, आज का दिन, आज का दिन, कि जो कुछ भी हमने समझा जाना उसके आज के दिन में हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं उसका। हमारे पैर में कांटा लगता है, दुख शुरू होता है, हम दुख में इतने खो जाते हैं। लेकिन तुम समझना शुरू करोगे तो हमारे भीतर कोई है, कांटा का चुभना उसका दुख, और दुख को अनुभव करने वाला कोई और है, जो अनुभव कर रहा है उससे ऊपर कोई और है, जो ये देख रहा है कि मेरे शरीर में कांटा चुभा और दुख की संवेदनाएं मेरे अंदर शुरू हो गई। जहां पर भी दुख है, जहां पर भी, जैसे अभी तुम बैठे हो, कोई भी एक स्थिति धारण करके बैठे हो, पतंजलि ने अद्भुत योग सूत्र दिया, सुबह शाम, मैं इसे जमाने के अनुसार आपकी समझ बढ़ाने के लिए महापूजा के साथ स्वास्थ्य को जोड़ता, तुम स्वास्थ्य महापूजा सुबह शाम करोगे, 36 करोड़ देवता प्रसन्न तुम्हारे पर, अनुभव कर। कोई भी एक स्थिति है जिसमें तुम बैठे हो और पीड़ा शुरू होती है, इससे हाथ से जाने नहीं देना है,
चाहे तुम्हें घुटन में पीड़ा हो रही हो, चाहे तुम्हें पैर में पीड़ा हो रही हो, चाहे सर दर्द हो रहा हो, जितनी तुम्हारी ताकत है पीड़ा को समझने की, तुम देखने की कोशिश करो है क्या पीड़ा, है क्या, व्हाट इज द पेन, इसका स्वरूप क्या है। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक तुम पीछा करो पीड़ा का, जहां पर भी पीड़ा है, जहां पर भी तुम उसका पीछा करो। मैं तुम्हें मेरा अनुभव कहता हूं, मैंने क्या देखा, जैसे कि हम देखते हैं पीड़ा पहले लगती है, बहुत लगती है, फिर अचानक गायब हो जाती है, क्यों, पीड़ा तो वही है, फिर भी मैंने ये अनुभव किया कि ये पीड़ा कंटिन्यू नहीं है, ये अलोप हो जाती है, इसका क्या कारण, फिर आती है, फिर एकदम दर्द होता है, दुख होता है, फिर गायब हो जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, ये कंटिन्यू नहीं रहती। तुम स्वयं अनुभव करना, तुम बैठे हो कोई एक स्थिति में पीड़ा शुरू होती है, तुम देखना शुरू करो कि पीड़ा का केंद्र क्या है, पीड़ा का केंद्र कहां से पीड़ा प्रारंभ हो रही है, इसका सेंटर क्या है, तुम देखना शुरू करो, ये इसका अनुभव है। पीड़ा आएगी चली जाएगी, फिर आएगी फिर चली जाएगी, फिर आएगी फिर चली जाएगी। पीड़ा आने का अर्थ है हम एक हो गए शरीर के साथ, पीड़ा के साथ एक हो गए, संवेदना के साथ एक हो गए। पीड़ा अलोप हो जाने का अर्थ है हम ऊपर उठ गए, शरीर से हम ऊपर उठ गए, ये संवेदना से हम ऊपर उठ गए, तो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। जैसा ही संपर्क हुआ पीड़ा शुरू, जैसे तुम ऊपर उठे पीड़ा गायब। जीवन के जो दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, ये नाम ठीक से जान लो, ये नाम, ये सारे के सारे हमें हैरान करने वाले, लेकिन तुम उसे दुश्मन मत कहना, इसके कारण तो हमारी गति होती है, समझ पैदा होती है। ये सारे के सारे हमारे टीचर्स प्रोफेसर, दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता, इसके कारण हमारे जीवन में समझ बढ़ती है। जितना तुम उतरते जाओगे, तुम भागोगे इससे भागोगे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा तुम्हें पता चल जाएगा ये भागने जैसा नहीं है। यहां से भागे पीड़ा वहां खड़ी, वहां से भागे, तुम करके देखो, तुम भाग के देखो, यहां से भागे वहां पीड़ा ने पकड़ा, चार कदम लगा हमें कि हम छूट गए, पांचवें कदम पर पीड़ा हमारे समक्ष आ जाती है। ये सात बगाड़ है, ऐसे प्राणी होते हैं जो मनुष्य को, प्राणी को इस तरह से शिकार करते हैं, घेरते हैं रात को। जो जंगल से परिचित है, प्राणियों से परिचित है, आज तो रहे नहीं ऐसे जंगल, लेकिन फिर से हो जाने चाहिए ऐसे जंगल, हमें पता तो चले कितने हम निर्भीक हुए कि नहीं हुए। हम जा रहे हैं और शेर सामने आ जाता है और डर लगा, समझो साधना ना पास, वापिस चलो कुटीर में, ठीक से बैठो पद्मासन में, ध्यान केंद्रित करो तीसरे नेत्र पर। शेर ने हरा दिया हमें, सांप ने हमें हरा दिया, नाग ने हमें हरा दिया, फिर से आ जाएगा, फिर से आ ही जाएगा। समझदार मनुष्यों की कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर, बहु रत्ना वसुंधरा, इसके कारण तो अभी जीवन टिका है, इसके कारण नहीं टिका है जो अमानवीय कृत्य में लगे हुए हैं, अज्ञानवश मार्गदर्शन के अभाव से मनुष्य मनुष्य को काटने की जो भावना है, इन लोगों के कारण ये पृथ्वी नहीं है। ये पृथ्वी इसलिए बची है कि बहुत से लोग हैं जिसके हृदय में पंछियों को बचाने की भावना है, वृक्षों को बचाने की भावना है, जीवन के जीवन को समझने की भावना है। आप सब देखो,
आप सब अगर मेरे समक्ष बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका संबंध परमात्मा से बन रहा है, आपको रस आना शुरू हो गया, अंतर जगत से आपका संबंध बन रहा है, ये इसके निशानी है। और रसमय ही है परमात्मा, कंटाड़ा जनक नहीं है। कंटाड़ा जनक हमारा मन है, कंटाड़ा जनक जो है वो हमारा मन है, और वो भी दुश्मन नहीं, वो भी दुश्मन नहीं। समझ का अभाव, समझ का अभाव। अगर कंटाड़ा आ रहा है, तुम करना प्रयोग कि एक जगह तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, तुम्हें भागने की इच्छा हो रही है, मैं भाग ही जाऊं, तुम जरूर भागना, ये प्रयोग भी करना, भाग के भी देखना, ठहर के भी देखना, दोनों प्रयोग करना, दोनों। तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, तुम भाग रहे हो, एक दिन तुम नक्की कर लो कि ना आज मुझे कंटाड़ा पार करना है, छोटा सा प्रयोग और बहुत काम आएगा। कंटाड़ा आ रहा है, मैं हर बार तुम्हें पूछूंगा व्हाट इज द कंटाड़ा, कंटाड़े का स्वरूप क्या है तुम्हारे भीतर, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक देखो, कंटाड़ा है क्या जो हमें भगा रहा है, भागने की इच्छा पैदा कर रहा है, आज नहीं भागूंगा। ये कंटाड़ा मजा में बदलता है कि नहीं, मजा में, ये समझ है। रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, कि किस तरह से हमें कंटाड़े को मजा में बदलना है, मजा में। इससे उल्टा भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये तुम करना, मजा को किस तरह से कंटाड़े में बदलना है ये प्रयोग तुम करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कंटाड़े को मजा में कैसे बदलना है। मैं समझदार लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा, अगर मुझे जीवन में शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, उल्लास चाहिए, प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए, करुणा चाहिए हृदय में, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, जीवन जीने की मुझे समझ चाहिए, जीवन जीने का ज्ञान मुझे चाहिए, तो क्या इसके लिए मुझे खरबों पत्ते ही होना पड़ेगा? समझदार लोगों को मैं प्रश्न पूछता हूं, ये सब मुझे चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे भविष्य में विश्वास चाहिए, हर एक परिस्थिति में श्रद्धा चाहिए मुझे भविष्य के लिए, मेरे हृदय में निश्चिंतता चाहिए मुझे, मुझे निर्भयता चाहिए, मुझे मेरे जीवन में उदारता चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको मेरा प्रश्न ये है कि इसके लिए मुझे खरबोपति होना पड़ेगा, इसके लिए मुझे नंबर ऑफ द बंगलोस खरीदने पड़ेंगे, नंबर ऑफ द फार्म्स, नंबर ऑफ द फार्म हाउसेस, नंबर ऑफ द प्लेन्स, ये सब कुछ खरीदना पड़ेगा, मुझे बहुत डॉलर इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत डॉलर, या बहुत पाव इकट्ठा करना पड़ेगा, पाव स्टर्लिंग, रुपया पैसा, हीरा माणिक मोती जवेरात, क्या तब मुझे जीवन का मजा मिल सकता है? अभी जहां पर मैं हूं, अभी जहां पर मैं हूं, वहां मुझे जीवन का मजा नहीं मिल सकता, जहां पर जो कुछ भी उपलब्ध है मुझे, जो कुछ भी उपलब्ध, ये समझ है, ये प्रश्न है मेरा जो मुझे समझने जा रहे हैं कि हमें जीवन में चाहिए क्या, ये सबको देखना है अपना। मैं कह दूं तुम मत मांग लेना, मैं कह दूं बस जो है उस पर तुम संतुष्ट हो जाओ, तुम मत मानना। तुम्हें अगर इच्छा है कि ना मुझे इतना डॉलर तो चाहिए ही चाहिए, तुम जरूर इकट्ठा करना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा कि जो हाथ में समय है, जो हमारे हाथ में अवसर है, जीवन जीने का अवसर, आज का दिन,
इसे खोना नहीं है, इसको खोना नहीं है। इसका क्या मतलब, इसको खोना नहीं है का मतलब क्या है? इसको परिपूर्णता से जीना है, परिपूर्णता से। जो कुछ भी उपलब्ध है हमारे पास, मैं तुम्हें परम समृद्धवान होने का रास्ता दिखाता हूं, परम समृद्धवान। क्या तुम परम समृद्धवान इस जगत में उसे मानोगे जिसके पास खरबों रुपया है? इसे तुम परम समृद्धवान मानोगे? भारत ने, भारत की भूमि ने इसे परम समृद्धि नहीं कहा। परम समृद्धि का अर्थ है जो केवल तुम्हारी अपनी संपदा, जो केवल तुम्हारी अपनी संपदा, और ऐसी संपदा कि तुमने बांटी की बढ़ी, तुमने बांटी बढ़ी, जिसके लिए, जिसके घटने का कोई भय न रहा तुम्हारे भीतर। ऐसी संपदा जो प्राप्त करने के बाद तुम्हें और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही न रही, कोई इच्छा ही न रही। परम संपदा को समझो। परम संपदा का अर्थ है जो होने से तुम तृप्त हो गए, जो होने से, जो मिलने से तुम तृप्त हो गए। तुम्हें और कुछ पाने की इच्छा न रही भीतर, इसका अर्थ है तुम परम समृद्धवान हो गए। और कोई दूर नहीं, कोई दूर नहीं। यू ऑल आर द एलिजिबल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग विथ यू, कि आप परम समृद्धवान हो सकते हो। इससे नीचे क्यों? जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, समृद्धि का अनुभव मटेरियल से नहीं है, समझना। समृद्धि का अनुभव तुम्हारे चैतन्य से है। हीरा माणिक मोती तुम बिछा दो बाहर, तुम समृद्ध नहीं हो सकते, परम समृद्ध नहीं हो सकते। परम समृद्ध अंदर का जो खालीपा है, खालीपा जिसे हम कहते हैं दुख है, पीड़ा है, संताप है, भय है, हताशा है, निराशा है, चिंता है, ये हीरा माणिक मोती सोना चांदी डॉलर पाउंड इकट्ठे करने से मिल जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा? जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, मैं बोलूं डॉलर, तुम्हें देखना है कि मेरे पास जो रुपये है उसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो कितने डॉलर होंगे, मेरे पास जो रुपये है उसको मैं पाव में कन्वर्ट करूं तो कितने पाव होंगे, मेरे पास जो रुपये है, धन है, जो भी है, फार्म है, फार्म्स है, बंगलो है, बंगलोज है, फ्लैट है, फ्लैट्स है, फार्म हाउस है, फार्म हाउसेस है, जो कुछ भी है, स्कूटी है, ल्यूना है, गाड़ी है, प्लेन है, एक तरफ। अब तुम भीतर चलो, जीवन के लिए निश्चिंतता कितनी, भविष्य के लिए भीतर निश्चिंतता कितनी, श्रद्धा, क्या हमारी श्रद्धा LIC पर आधारित है? ये देखना है, समझना है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम LIC न लो, बीमा न लो, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं तुम्हें तुम्हारा अंतर जगत समझा रहा हूं, अंतर जगत जो हमारे साथ साथ है प्रतिपल। हम परम समृद्धि को चूक रहे हैं, प्रतिपल चूक रहे हैं। जो जीवन का अवसर है उसमें अगर हमने परम समृद्धि नहीं कमाई, हमने शांति का अनुभव लिया ही नहीं जीवन में, जीवन का अवसर हाथ से गया, तुमने जीवन में संतोष का अनुभव कभी किया ही नहीं, तुम चूक गए अवसर, तुमने जीवन में आनंद का अनुभव किया ही नहीं। और जीवन हम इस तरह से लेते हैं, सुबह से जागे जीवन प्रारंभ, रात को सोए समझ लो मर गए, मृत्यु हो गई, एक जन्म पूरा हो गया,
तो आज का जो दिन है हमें देखना ये है, मैं कितनी शांति का अनुभव करता हूं, कितने संतोष का अनुभव करता हूं, कितनी निश्चिंतता का अनुभव करता हूं, कितनी श्रद्धा का अनुभव करता हूं, कितना विश्वास का अनुभव करता हूं। और हर परिस्थिति का उपयोग करना है, हर परिस्थिति का। जो परिस्थिति डावाडोल कर रही है कि क्या होगा, कल ये रुपये भरना है, अभी तक व्यवस्था नहीं हो रही है, क्या होगा, उसमें से गुजर कर देखो क्या हो रहा है, क्या हो जाता है, कहां से मदद आ जाती है, कहां से। आज का दिन जीवन के नए रहस्यों के साथ साथ, आज के दिन की भेंट को ऐसी वैसी मत मानना, परम पिता परमेश्वर की अनमोल भेंट हम सबको, इसकी कदर करना। हम चुक जाते हैं, हम चुक जाते हैं, यहां तक कि पूजा प्रार्थना हमारी मांग हो गई। पूजा प्रार्थना, पूजा प्रार्थना का संबंध बन गया डिमांड से, मांग से। पूजा प्रार्थना का संबंध बन गया फरियाद से। मैं तुम्हारी समझ विकसित करता हूं। पूजा प्रार्थना का अर्थ जरूर मांगो, मैं ना भी नहीं कहता। तुम्हारा जीवन है, तुम स्वयं अनुभव करो, परमात्मा तुम्हें दे ही देगा। परम समृद्धवान परमात्मा हमारा पिता, इसके हम पुत्र, तुम मांगो जरूर, लेकिन मैं तुम्हारी समझ और आगे ले जा रहा हूं। प्रार्थना, पूजा, ग्रेटिट्यूड, जीवन जीने का अवसर प्राप्त होना, और वो भी भारत में, इससे बड़ा नसीब क्या चाहिए। इसका उपयोग करो, इसका उपयोग, और समृद्धि का अनुभव भीतर से है, भीतर से, ये भीतर के चैतन्य का अनुभव है। इसे कहा जाता है श्री, बाहर की संपदा को श्री नहीं कहा जा सकता। भीतर की जो संपदा है, चाहे वो शांति के रूप में है, संतोष के रूप में है, उदारता के रूप में है, निर्भयता के रूप में है, निश्चिंतता के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, समझ के रूप में है, लेकिन ये भीतर की संपदा है, इससे कहा जाता है श्री। तुम भीतर से चैतन्य का अनुभव करो कि बाहर जो कुछ भी है, जैसा भी है, तुम संतुष्ट, तुम भीतर से धनवान होने का अनुभव करोगे। वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, भीतर से समृद्धवान होने का अनुभव। बाहर चाहे हो चाहे ना हो, गौण, ये गौण, इस पर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। हो तो हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे, हो हमारे पास किस तरह से परम समृद्धवान हुआ जा सकता है, व्हाट इज द थियरी। जो कुछ भी है, जो कुछ भी, इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना शुरू कर दो, जो कुछ भी है, और तुम देखते जाओ कि धीरे 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 ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये विकासमान होता है कि नहीं होता है। मेरा मैं अनुभव कहूं, आप मुझे पूछो कि आपने परमात्मा को देखा, हाँ मैंने देखा। आप मुझे पूछो अनुभव किया, मैं कहता हूं मैंने किया। आप मुझे पूछो कैसे है परमात्मा, मैं कहूंगा प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल विकासमान, विकसित, ये कुंठित नहीं, परमात्मा प्रतिपल विकासमान। इसके साथ हमें रहना है, इसके साथ अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें विकासमान होना पड़ेगा। तुम्हारी समझ किस तरह से विकसित हो जीवन के प्रति, ये मेरा दृष्टिकोण है। तुम स्वयं अपने जीवन को समझो, जीवन की क्षण व्यर्थ बातों में बिगड़नी नहीं चाहिए, इसका उपयोग होना चाहिए। और मेरा जो भी प्रयत्न है पूरे दिन कि प्रातःकाल का समय ही दिव्य वाणी तुम्हारे कान में जानी चाहिए, दिव्य वाणी,
अगड़म बगड़म न्यूज नहीं जगत के, अब इसने इसको काटा मारा, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये रोग बढ़ रहा है वो रोग बढ़ रहा है, ये उपाय नहीं है। और बढ़ जाएंगे, आप महत्व दोगे नकारात्मक चीजों को, अगर हम महत्व देंगे ये बढ़ेगी। तुम उसे महत्व देना छोड़ दो, तुम अपने जीवन को निखारना शुरू कर दो, जिससे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है मेरी दिव्यवाणी सुनना, तुम सुनो ही और तुम देखो प्रत्येक दिन तुम्हारी समझ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, जीवन जीने की जो कला है ये तुम अभी प्राप्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा मेरा सेशन स्वास्थ्य महापूजा है। शरीर का स्वास्थ्य बहुत जरूरी, जिस शरीर में हम विराजमान उसके प्रति आदर, जहां से तुम समझने लगे जो भूल हो गई इस पर जाना ही नहीं है, जहां से तुम समझने लगे, शाम का समय स्वास्थ्य महापूजा पर ध्यान देना शुरू करो। स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा, अपने आप विचार पॉजिटिव, अपने आप तुम करके देखो, जैसा तुम्हारा शरीर ऐसा तुम्हारा मन, जैसा तुम्हारा शरीर ऐसा तुम्हारा भाव, जैसा तुम्हारा शरीर स्वस्थ, शरीर में ही मजा आने लगा, शरीर इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनर मटेरियल, नो हीरा माणिक मोती डॉलर पाव कैन मैच विद द शरीर, ये मटेरियल, और कितना जीवन द्रव्य जीवन, ऐसे देखो तो हमारा शरीर है क्या, चलो कोई मृत प्राणी को देखना, उसके शरीर को आप ऑब्जर्व करना, यही हमारा शरीर है। कोई कुत्ता मर गया है, कुचल दिया है किसी कार ने, तुम उसका शरीर देखना क्या है उसके शरीर में, ऐसा ही हमारा शरीर। हमारा शरीर अगर कोई कुचल दे तो उसमें है क्या, तुम देखो तो है क्या इसमें शरीर, हड्डी पड़ी है तुम नहीं छुओगे हड्डी को, किसी का मांस पड़ा है किसी प्राणी का किसी मनुष्य का तुम नहीं छुओगे उसे, रुधिर बहा हुआ है, तुम आंखें तुम्हारी बंद हो जाएगी, हमारी बंद हो जाएगी कि ये दृश्य नहीं देखना है, देखना है ये सब हमारे भीतर है, और जब ये जीवंत है हम चुप जाते हैं। ये सबसे करीब द्रव्य ये है, ना कि हीरा ना कि मोणे ना कि मोती, इससे हमारा शरीर नहीं बना, हमारा शरीर पाउंड से नहीं बना, हमारा शरीर स्टर्लिंग से नहीं बना, ना डॉलर से बना है ना हीरा माणिक मोती से बना है, हड्डी मांस मज्जा से हमारा शरीर बना है। और कितना अद्भुत रहस्य है, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितनी मैं तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हारा विश्वास, देखो मेरा ये हाथ ऊपर उठ रहा है, ये यहां तक जाता है, फरियाद नहीं आती, चलो दूसरे हाथ से उठ गए, इतना भी उठा उठाना है, जितनी कैपेसिटी शरीर की, चाहे हम चार कदम चल सकते, चार कदम भी चलना है, इतना शरीर का जो उपयोग है करना ही, ये समझ है। स्वास्थ्य महापूजा इस तरह से मैं तुम्हें करवाऊंगा, देखना कि कुछ एसेंशियल एक्सरसाइज है, एसेंशियल सबको जाननी है, एसेंशियल एक्सरसाइज जाननी है, करनी है, करवानी है, ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाना है, अज्ञान फैलाता हुआ बंद करना है। बिना शराब तुम मस्त रह सकते हो, बिना शराब मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, कुछ नशाकारक पदार्थ की जरूरत नहीं, तुम एक्सरसाइज करना शुरू करो। मैं तुम्हें चार नाम देता हूं, चार नाम, वो चारों का न लो तुम मुझे स्मरण कर लेना, और मेरा नाम भी इस तरह से बोल रहा, ओम हिमांशु का अर्थ चंद्र अर्थात शांति, श्री श्री का अर्थ भीतर की संपदा शांति संतोष, ये मेरे नाम का अर्थ, या मुझे स्मरण करो, मुझे न करो तुम्हें दुश्मनी है मुझसे, जाने दो, मैं तुम्हें और चार नाम दूं जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, भगवान वैद्यनाथ, ये रहस्य समझने जैसा है, तुम नाम याद रखेगा भगवान वैद्यनाथ, क्योंकि मैं तुम्हें
आत्मिक विज्ञान से परिचित कर रहा हूं, स्पिरिचुअल साइंस, इसके रहस्य देखो। भगवान वैद्यनाथ कहीं तो खोजने जाओगे नहीं मिलेंगे। भगवान वैद्यनाथ, भगवान धनवंतरी, महर्षि पातंजलि, इसका भी मैं अर्थ बताऊंगा क्यों इसपे भगवान ने लिखा अपने साथ, इसपे अपना नाम लिखा महर्षि पातंजलि, महर्षि चर। यहां की दो डेयरी है छोटी छोटी, आप देखोगे, एक है महर्षि पातंजलि राइट हैंड साइड, तुम जाओगे तो राइट सरस्वती माँ के पास, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है महर्षि चर। कैसे पता चलेगा? मूर्ति का विज्ञान, जिसके चार हाथ या चार हाथ से ज्यादा है उसे पुराने समय में ये भगवान का स्वरूप है, इसे भगवान कहा जाता है। भगवान दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन दोनों का प्रागट्य अलग है। जो दो हाथ वाले हैं, बड़ी लंबी दाढ़ी है, ऊपर जटा है, ये महर्षि पातंजलि महर्षि, इसके अंदर में अनेक ऋषि, जिससे इस पृथ्वी पर शरीर का स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, भाव का स्वास्थ्य है, आत्मा की प्राप्ति, इसका मार्गदर्शन प्रकट किया। अभी भी चालू, अभी भी चालू, तुमने नाम लिया नहीं तुम जुड़े नहीं। महर्षि पातंजलि महर्षि चर, चरक इस पृथ्वी पर पहले ऐसे ऋषि जिसने रोग का डायग्नोसिस शुरू किया कि एक रोग है, जैसे जुकाम हुआ है तुम्हें तो उस पर क्या होता है, बुखार जैसा लगता है, सर दर्द लगता है, भूख नहीं लगती है, ये डायग्नोसिस, उसका पूरा स्वरूप के रोग का स्वरूप क्या है, इसकी दवा क्या है, कौन सी दवा, कौन सी जड़ी बूटी में कौन सा तत्व है जो ये तुम्हारा जुकाम मिटा सकता है, ये करने वाले महर्षि चरक, ये मार्गदर्शन दे भगवान पातंजलि से, भगवान धनवंतरी से, जिसका संबंध वनस्पति के क्षेत्र के साथ सहज, प्रेम ही इतना, प्रेम ही इतना, नीम के वृक्ष के आगे धनवंतरी खड़े रह गए तो कोई अंतर न रहा कि तू नीम का वृक्ष में धनवंतरी, अंतर न रहा, धनवंतरी नीम का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष धनवंतरी हो गया, ये रहस्य। पीपल के वृक्ष के आगे गए, धनवंतरी पीपल हो गए, पीपल धनवंतरी हो गया, इतना, इससे मार्गदर्शन महर्षि चरक को। अभी हमारे पास भी तुम स्वास्थ्य महापूजा करना शुरू करो, इसका मैं तुम्हें बेस कहता हूं, बेस जब तुम प्रारंभ करो, मेरा मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन अगर समझ लो तुम मुझसे दूर हो, मोबाइल पर तुम देख रहे हो तो जरूरी नहीं है पूरी स्वास्थ्य महापूजा तुम मेरी देख कर ही करो। कुछ है, कुछ आसन मैं करवाऊंगा, कुछ एक्सरसाइज जिसे मैं कहता हूं गत्यात्मक योग, डायनेमिक योग, जिसमें गति है शरीर की, जैसे ट्विस्ट करो बॉडी, ऐसे छुओ, ऊपर हाथ से ताली मारो, सिटअप करो, विपरीत करनी करो 25, ये मेरा मार्गदर्शन, मैं बोल के कराऊंगा तुम्हें, बोल के ये करो फिर ये करो, लेकिन एक समय के बाद तुम स्वतंत्र, अब तुम्हारी समझ से काम लो कि तुम्हारा शरीर कितना बेंड हो रहा है, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी कितनी, क्या जरूरत है तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी समझ से जो बेसिक एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए जरूरी मैं करवाऊंगा। लेकिन जो मुझे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम स्वास्थ्य महापूजा टालो मत, तुम कल पर मत छोड़ना इसे। मैं खाली नाम बोलूं भगवान वैद्यनाथ संपर्क सुन, क्योंकि भगवान वैद्यनाथ समझे ये परम चैतन्य है, ये शरीर नहीं, ये कोई शरीर नहीं कि तुम्हें यहां से 100 किलोमीटर यात्रा करके किसी भौतिक शरीर में बैठी हुई चेतना से तुम्हें मिलने जाना है, ऐसा नहीं है। तुमने स्मरण किया कि तुम्हारे साथ इसका संपर्क बना, ये आत्मा की विद्युत, जैसे हम बाहर की विद्युत एक स्विच करते हैं एक बल्ब हो जाता है तुरंत, दो कनेक्शन लगाओ दो बल्ब हो जाते हैं, तीन कनेक्शन लगाओ तीन हो जाते हैं, ये तो बाहर की विद्युत, भीतर की विद्युत तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते,
तुमने मात्र स्मरण ही किया, लेकिन तुम मान मत लेना कि मैं कहता हूं इसलिए सही होगा, लेकिन इनकार भी मत करना, ये विज्ञान है। तुम करना शुरू करो और तुम्हें फायदा होना शुरू होता है कि नहीं तुम देखना, और फायदे का अर्थ डॉलर, पाउंड, हीरा, माणिक, मोती, मैं इसे संपत्ति कहूंगा ही नहीं। जब तक तुम्हारी समझ न बढ़ी सब व्यर्थ है। समझ है तो इसका हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपयोग कर सकते हैं इस पृथ्वी पर, द्रव्य का उपयोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। रात को बिना बांसुरे सुने सोना ओल्ड फैशन, लेटेस्ट जगत की लेटेस्ट फैशन आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू ऑल नसीबदार, प्लीज लिसन बांसुरी वन आवर। मैं अगर एक घंटा बैठ सकता हूं तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, जिसका शरीर स्वस्थ है उसे तो बैठना ही, और जो मेरे करीब रहते हैं वो तो उसे तो आ ही जाना है, मेरे आगे बैठना ही है। अनुभव करो, 15 मार्च तक ये लाइव प्रयोग है। सेकंड रैंक जब मैं न बजा पाऊं तुम जरूर टेप रिकॉर्डर सुनो, मैं पूरा उसका भी मार्गदर्शन लूंगा, लेकिन जब मैं बजा रहा हूं तुम मुझे लाइव सुनो, लाइव जितनी क्षमता। मैं जड़ता की बात नहीं कहता हूं, धर्म डजंट मीन जड़ता, धर्म मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग, समझ। तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी, पूरा दिन काम किया है, थके हो, इतना बैठ नहीं पाते, आज शरीर ठीक नहीं है, लेकिन अगर बैठ सको तो मैं कहता हूं बैठो, बैठ सकते हो तो बैठो, फिर तुम्हें लगे ना अब तो मुझे लेटना ही है, लेट ही जाओ, इससे तुम्हारी निद्रा की क्वालिटी पूरी की पूरी बदल जाएगी। तुम अनुभव करते जाओ, बांसुरी सुन के सोना, और जब लाइव है, मेरा ये प्रयोग लाइव है, इसका सेंटर तुम हो, ये स्टेज प्रोग्राम नहीं। आप देखोगे कई बांसुरी में कौन बजाता है, ये भूत बजाता है या पिशाच, कोई दिखेगा ही नहीं। तुम वीडियो पर देखोगे तो मैं नहीं दिखता, कहीं कोई भूत बांसुरी बजाता है ऐसा लगता हो, तुम से ऐसा है, लेकिन सुनो, ये प्रक्रिया से तुम परिचित नहीं, ये प्रथम प्रक्रिया है, प्रथम बार जमाना के अनुसार होता है कि आज का जगत है उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का व्हाट इज द रोल। क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐसा है कि तुम टाउन हॉल में किसी बांसुरिस्ट को सुनने जाओ, ये उद्देश्य है भारतीय शास्त्रीय संगीत का। भारतीय शास्त्रीय संगीत तुम्हारे हृदय में, चलो मैं कहता हूं तुम्हारी हृदय की धड़कनों में हर एक ताल है, हर एक स्वर है, हर एक राग है। चलो मैं कहूं तुम्हें कहां पता है कि वृंदावन सारंग में कौन से सुर आते हैं, तुम खाली बैठो, तुम सुनो और तुम देखो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लगेगा ही लगेगा। तुम खाली, तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी आदत क्या हो गई मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अनेक लोगों के साथ रहा हूं, आदत क्या हो गई, टीवी देख के सोना, या सोए सोए मोबाइल इस तरह से रख के सोए सोए मोबाइल, साइंटिफिक नहीं, तुम्हारी आंखें बिगड़ जाएगी, सोए सोए मोबाइल मत चलाओ, संपूर्ण अवैज्ञानिक, संपूर्ण सोए सोए पढ़ो भी मत, पढ़ो तो व्यवस्थित बैठ के रीड सिद्धि करके बैठो, टेबल पर कुर्सी पर सोए सोए मत पढ़ो किताब, आंखें बिगड़ जाएगी, कैटरेक्ट जल्दी आ जाएगा, इसी तरह से मोबाइल भी सोए सोए मत देखो। रात को आदत हो गई, आदत, मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं, समझ, और जब तुम बैठे ही हो मेरे समक्ष, ऐसा नहीं कि मुझे पकड़ के लाना पड़ता है, छोटे बच्चे आके बैठ जाते हैं, छोटे बच्चे ये भी ऐसे नहीं आते, पुराने जीवन की यात्रा होती है, तब ये बच्चे ऐसे संग में आ सकते हैं, ऐसे संग में रहते हैं, सबके बीच हर प्रक्रिया करते हैं, चाहे स्वास्थ्य महापूजा हो,
चाहे बांसुरी का श्रवण हो। तुम प्रयोग करके देखोगे बांसुरी तुम्हारे भीतर की जितनी भी मानसिक विक्षिप्तता है, टेंशन है, भय है, चिंता है, किसी के प्रति क्रोध है, घृणा है, तिरस्कार की तरंगे है, आज सुबह में तुम्हारा झगड़ा हो गया, रात तक वही बात चलती है हमारे भीतर, और ऐसे मन के साथ सोना संपूर्ण अवैज्ञानिक है। ये बीज बनेगा भीतर, बीज ये अंदर चला गया तुम्हारे अंदर, इसे साफ करना है, अराजकता को साफ करना है। बाहर की एक भी दुष्ट बात भीतर नहीं जानी चाहिए। तुम जब सोने जाओ उससे पहले पवित्रता का अनुभव करो, पवित्रता, शांति, शांति का अनुभव करो, और तुम बांसुरी सुन के देखो, अनुभव करो कि पहले जो तुम्हारा मन था, जब तुम बांसुरी सुनने बैठे थे तब जो तुम्हारी शरीर की संवेदना थी, तब जो तुम्हारा विचार थे, तब जो तुम्हारे भाव थे, और जब बांसुरी समाप्त होती है तब देखना क्या हो जाता है। मैं विज्ञान धीरे धीरे बताता चाहूंगा। आज का जो राग है वही जो मैंने प्रारंभ में प्रार्थना की, मुथु स्वामी दीक्षिता है, अद्भुत वर्सेटाइल म्यूजिशियन, वर्सेटाइल एक समय के वर्सेटाइल, इसने पूरा पंथ प्रकट किया संगीत से परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। परमात्मा का दूसरा नाम परम शांति, परमात्मा का दूसरा नाम परम आनंद, परम उल्लास कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे परम समृद्धि का अनुभव कैसे लिया जा सकता है, ये खोजने वाले वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मैं तुम्हें नाम से परिचित कर रहा हूं, मुथु स्वामी दीक्षितार, विज्ञान। जैसे मैंने ये नाम प्रकट किया मेरी चेतना का संबंध बन गया मुथु स्वामी दीक्षितार से, और जिसने भी प्रयोग किए सबके साथ मेरा संबंध, ना केवल मेरा, आप सबका। आज का जो राग है बहुत ही पवित्र राग, मैं इसका ऐसा रहस्य कहूं, ऐसे घर होते हैं जिसे कहते हैं हंटेड हाउस, भूत प्रेत के अनुभव होते हैं कि जैसे तुम बैठे हो तुम्हें लगता है कोई यहां से गया, चहल पहल होती है, ऐसा लगता है कोई ऊपर चल रहा है, ऐसा लगता है कोई मुझे छू गया, ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे है, कोई मेरे पलंग के नीचे कुछ कर रहा है, कोई मेरे आगे पीछे हो रहा है, ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे घर है। मैं सिंपल कहूं, तुम बांसुरी को बड़ी आवाज में प्रकट कर दो, जो मैं लाइव बांसुरी बजाता हूं, जिस निवास स्थान में ऐसी तकलीफ हो रही है, तुम बांसुरी को, आज ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जैसे ब्लूटूथ स्पीकर है, मोबाइल पास रख के मत सुनो, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट रखो जिससे आवाज बड़ी हो, तो जो बाहर की तरंगे है वो भी शांत हो जाएगी, शांत, यहां तक भटकती हुई आत्माएं अपने मार्ग पर आगे चली जाती है, ये ठहरी हुई आत्माएं हैं, भटकी हुई आत्माएं, इसकी विद्युत ठीक हो जाती है, बांसुरी की आवाज शांत हो जाती है और वो गति कर जाती है। धीरे धीरे जैसे समझ विकसित होती जाएगी, मैं मनुष्य को कहूंगा जो बैसना है, हम बैठते हैं, बहुत सी प्रक्रिया है, इसमें एक प्रक्रिया है बांसुरी वादन प्रकट करो। जब तुम बैठते हो, किसी का मृत्यु का प्रसंग है, तुम बैठते हो, मैं राग का नाम भी दूंगा, जैसे आज का राग पवित्र राग माना जाता है, बाहर के वातावरण की शुद्धि के लिए और भीतर के जगत के लिए। इस राग को कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में कहते हैं नटी, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहते हैं जोग। मैं ये राग प्रकट कर रहा हूं, ये प्रार्थना तुम्हारे कान तक ला रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं तुम्हें किसी दिव्य चेतनाओं के साथ। Thank you.
है इस प्रार्थना से और आती है वो मेरा साथ दे। और मैं कई पंक्ति है मैं रिपीट करूंगा, तुम प्रयत्न करो, डरो नहीं, उस पंक्ति को रिपीट करने की, गाने की कोशिश करो कि आसपास कोई क्या कहेगा, मेरी आवाज नहीं चल रही, कोई डर मत रखो, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे अपने लिए, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा सुन रहा है कि प्रार्थना। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्व मंगल, श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्व मंगल, जनक संकरो देव त्वं वंदे कुंजरानो, जनक संकरो देव त्वं वंदे कुंजरानो, श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्व मंगल, जनक शंकरो देव त्वं वंदे तुञ्जरानो। मका गणपति मनसा, मका गणपति मनसा, मका गणपति मनसा, मका गणपति मनसा, स्मरामि मगा गणपति मनसा, स्मरामि मगा गणपति मनसा, स्मरामि वशिष्ठ वामदेवादि वंदित मगा गणपति मनसा, स्मरामि वशिष्ठ वामदेवादि वंदित मगा मनसा, स्मरामि वशिष्ठ वामदेवादि वंदित मगा गणपति मनसा, स्मरामि वशिष्ठ वामदेवादि वंदित मगा गणपति। महादेव सुतम महाकाव्य नाटक प्रिय, मूषिक वाहन मोदक प्रिय, महाकाव्य नाटक प्रिय, मूषिक वाहन मोदक प्रिय, मग्गा गणपति मनसा।
बांसुरी है उसका एक ट्रेलर था जिसमें मैं प्रकट करूंगा राग नटी कर्नाटक। ये नाम खाली तुम्हें कुछ मैं इस तरह की समझ तुम्हें नहीं दे रहा हूं कि तुम्हें उलझाऊंगा किताबों में, मैं तुम्हें किताबों से बाहर निकालूंगा, तुम्हें कहीं उलझना नहीं है, तुम खाली मुझे सुनो। ये राग का नाम है नटी, पवित्र राग, संध्या समय का राग, प्रार्थना का राग। एक समय जब
मंदिर खुलता था, दीप प्रकट होते थे, तब इस राग का उपयोग किया जाता था दीप के प्रागट्य के समय देवताओं के आह्वान के लिए। इसको अब युग के अनुसार आगे ले जा रहे हैं। इसी तरह से राग जोग, जोग नाम ही आया योग से, योग अर्थात जोड़ना, जोड़ना किससे, डॉलर पाव, इससे नहीं जुड़ना है। जो कायम साथ आने वाला नहीं है उससे नहीं जुड़ना है, जो कायम हमारे साथ परमात्मा उसके साथ जुड़ना है। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ एक हो जाना। तो ये राग का नाम जोग कहां से आ गया, तड़पदी भाषा, जो गांव के लोग थे योग नहीं बोल सकते थे, योगा नहीं कहना है, ये तो अमेरिकन जो लोग होते हैं उसकी जीभ थोड़ी टेढ़ी होती है तो वो योग नहीं बोल सकते तो योगा हो जाता है। हम भारतवासियों की जीभ में योग ही ठीक लगेगा। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ एक हो जाना। इस पर से गांव के किसान योग 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 जो मैं तुम्हें बताता हूं इसका रहस्य, पतंजलि जब जाते थे किसानों के पास, या कोई लोहार है सुथार है गांव का, उसे बताते थे कि तुम जब रात को ये प्रक्रिया पूरी कर लो इस आसन में स्थिर हो जाओ, तुम्हारी थकान उतारो, परमात्मा से एक हो, समझाते थे लोगों को अलग अलग आसन, तुम देखो कितने आसन करते ही जाओ प्रकट होते ही जाएंगे। लेकिन फिर ये जो लोग थे ये योग शब्द नहीं बोल सकते थे, योग योगी का हो गया जोगी, क्योंकि ये तड़पदी भाषा, गांव के लोग गांव के आदिवासियों के पास जाते थे। लेकिन देखो हम जिसे कहते हैं गरीब आदिवासी जो शिक्षित नहीं है, इसके पास कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, फिर भी ऐसे मेरे पास ही कितने योगियों के अनुभव है जो घूम रहे हैं भारत में नंगे पांव, और शरीर तो शरीर ही है, उपवास है, कई दिनों से खाना नहीं मिला है, फिर भी परमात्मा का जो ज्ञान है बांट रहे या समझने के लिए जा रहे हैं, कुछ शरीर आता है। अब जो अशिक्षित है जिसे कोई शिक्षा नहीं है ना कोई, हम जिसे कहे हाई सोसाइटी, ऐसा उसके पास कुछ नहीं, फिर भी वो पानी का कड़स लेके आता है उसके मुंह पर छांटता है, उसे पानी पिलाता है। ऐसे अनेक उदाहरण, इसमें से एक आदि गुरु शंकराचार्य, जो भी छोटे थे और घर से निकल गए 9 साल की उम्र में, वो गिर गए एक जगह, उसको फिर से प्राण संचार किया एक औरत ने जो आदिवासी औरत थी गरीब अशिक्षित, उसने उसके मुंह में पानी डाला और उसका शरीर फिर से जीवंत हुआ और महाज्ञान प्रकट हुआ भारत माता की धरती पर। लेकिन ये लोग योग नहीं बोलते थे, जोग, इस पर से योगी हो गया जोगी। और लेकिन देखो राग भी कहां ले जाता है, राग, राग का नाम दिया जोग, जिसका अंदर का अर्थ है योग, योग का अर्थ है परमात्मा के साथ एक होना। तुम स्वयं अनुभव करो आज की राग का कि ये राग का प्रागट्य कैसा रहता है, ये तुम्हारा अनुभव है। एक कल्याण प्रार्थना गा के हम समाप्त करेंगे आज का सेशन। मंगलम, जिसका राग है बैरागी, ये भी इतना ही पवित्र राग, पंडित रविशंकर का कंपोजिशन, ओम सुनने जैसी एक उसका जो कंपोजिशन है, सारे वेद शास्त्र वेदों के श्लोक है। और मेरा जो मानना है वो ऐसा है कि पंडित रविशंकर जब अमेरिका स्थिर हुए तो सारे के सारे शिष्य अमेरिकन है, जिसने गाया है इसमें ओम गाया है, प्रकट किया है जो श्लोक, जो एक मंगल प्रार्थना हम ले रहे हैं उसी कैसेट से फॉलो करें। मंगलम मंगलम
पर लगा तो आपके भीतर विचार का उद्भव संभव नहीं। अनुभव करो, जो हम प्रार्थना करते हैं जब भी प्रार्थना समाप्त हो इसके बाद में और प्रार्थना प्रारंभ करने से पहले आज्ञा चक्र का ध्यान चुके नहीं। प्रार्थना का हेतु है आपको ज्योतिर्मय जगत के साथ एक करना। आज की दिव्यवाणी समाप्त करूं इससे पहले ज्योतिर्मय जगत के समाचार कैसे होने चाहिए, ज्योतिर्मय जगत के समाचार कैसे होने चाहिए। हमने मैं ऐसी दो महान विभूतियों को बुलाऊंगा। एक है मेरी बहन भानु कि जिसने मेरी आंख के समक्ष, ऐसा नहीं कि हम कोई अखबार में पढ़ते हैं, मैंने मेरी आंखों के समक्ष देखा कि हमारा बहुत बड़ा कुटुंब था और ये जब युवान थी
उसने BA PNA नर्सिंग का कोर्स किया था। युवान थी वो, यहाँ वहां कहीं भी भटकना है। 22 जन का कुटुंब, तुम समझ सकते हो, सब पांच पांच रोटी तो खाते ही है, और सबकी रोटी रोज बनाना, चाहे दोपहर का काम हो, रात का भोजन बनाना हो। हमारे घर की दो महिलाएं, एक मेरी भाभी जो गंगा स्वरूप है, मेरे भाई शरीर में न रहे, गंगा स्वरूप भानुमती दवे मेरी भाभी, अभी है, अस्थमा की तकलीफ है, लेकिन मेरा भतीजा बहुत सुंदर उसे संभाल रहा है, शरद, और उसकी पत्नी संध्या, और मेरी बहन भान, जिससे हमारे घर में कोई भी बीमार हो, कोई भी, ये इनबोर्न नर्स, मैं ऐसा कहता हूँ, कोर्स तो ठीक है कोर्स, लेकिन इनबोर्न नर्स, जिस तरह से अंकिता, जिस तरह से मेरा एक बेटा आदित्य अमेरिका में, इनबोर्न डॉक्टर, इनबोर्न नर्स। मैंने अंकिता को इसलिए भेजा कि तेरा हृदय जो मृदुता है, हृदय में प्रेम है, मृदुता है, भानु सही, कोई भी हमारे घर में कोई भी तकलीफ हो, किसी को भी, रात की नाइट ड्यूटी, उसके साथ रहना, उसका काम करना, फिर घर पर आना, सबके लिए भोजन बनाना। और आज मुझे 10 बार पूछती है कि यहाँ मैं काम नहीं कर सकती हूँ तो यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ। मैंने कहा ना, तुझे रहना ही, इस स्थान को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, और कोई नहीं करेगा तेरी सेवा, मैं स्वयं करूँगा। लेकिन ये मेरी बहन भानु और रश्मि, ये भी हर एक काम में, घर के हर एक काम में, वो भी मुझे पूछता रहता है, मुझसे ये नहीं होता है, मैं कैसे रहूं यहाँ। मैंने कहा ये तुम चिंता मेरे पर छोड़ दो, तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है, तुम मेरा काम संभालो, समझते जाओ, तुम अपना जीवन आगे और निखारो, और औरों के जीवन को ऊपर उठाने में मेरे काम में मदद करो। मैं दोनों को बुलाऊंगा, और ये भेंट वैश्विक परिवार की ओर से मैं दोनों को स्वीकारने को कहूंगा। दोनों आए साथ में, पहले भेंट मिलेगी भानु को, रश्मि को। वैश्विक परिवार की ओर से स्वीकार करें। दूसरी मैं महाविभूति कहूंगा, श्री रश्मि, इसने बचपन से, दोनों ने इतना प्रेम मेरा भी उन लोगों के प्रति और उन लोगों का मेरे प्रति, कि हर एक कदम पर उन लोगों का साथ, उन लोगों की समझ, उन लोगों का मार्गदर्शन इतना मुझे मिला। मैं हर एक बार तुम्हें बताऊंगा, यहाँ मुझे रश्मि ने ये राग सिखाया, यहाँ मुझे रश्मि ने ये कहा, यहाँ संगीत में ये कहा, यहाँ जू में ऐसा कहा। श्री रश्मि वैश्विक परिवार के, एक उखाण कहू छू, उखाण, वसंतो समी हाजरी छे आ कोनी, वसंतो समी हाजरी छे आ कोनी, के गुलाबो समा आम दिवसो उगे, के गुलाबो समा आम दिवसो उगे। थैंक यू नहीं कहें बेटा, ये जो है ये क्या करना, हाँ ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर दिव्य वाणी समाप्त करते हैं, और आरती के लोग लिए आ जाए, आरती आराम से।